फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मकर संक्रांति स्पेशल तिल और ड्राई फ्रूट्स लड्डू लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपके बॉडी में गर्माहट तो रखेगी और हेल्दी भी है, और बनाना बिल्कुल भी आसान है। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस तरह से तिल और ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं। ये ठंडे होने के बाद भी हार्ड नहीं होंगे, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहेंगे। तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तिल की ये मिठाई बनाने के लिए देखिए हमने पैन में सफेद तिल डाल लिया है। तिल को हमें बहुत अधिक लाल नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसे हल्के लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। तो देखिए अब हमारी तिल भून चुकी है, आइए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसे निकाल लेंगे और फिर इसे हम अपने पैन को चढ़ा देंगे। अब इसी पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हमारा घी मेल्ट हो चुका है, आइए इसमें हम डालेंगे थोड़े से 10-12 काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से अखरोट। इन सारी चीजों को लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन कलर होने तक हम इसे भून लेंगे। बहुत अधिक इसे लाल नहीं करना है, नहीं तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। इधर एक दूसरे बोल में हमने रोस्टेड पीनट लिया है, तो ये हमारे पास रोस्टेड थे। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तो आप पीनट भी इसमें डाल दीजिए, और एक ही साथ सारी ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरह से भून लेंगे। इसमें आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद ना हो आप उसे स्किप कर सकते हैं, और जो पसंद हो उन्हें आप रख सकते हैं। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं, आइए फ्लेम को हम बंद करते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। अब हमारी तिल भी ठंडी हो गई और हमारे ड्राई फ्रूट्स भी, तो आइए तिल को हम साइड में रखते हैं और इसमें लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसमें हम डाल देंगे अपने सारे ड्राई फ्रूट्स। इसमें रोस्टेड बादाम भी डाल देंगे, और इसे हमें बहुत बारीक नहीं बनाना है, इसे हमें दरदरा रखना है। देखिए इस ढंग से हमें इसे रखना है, न बहुत मोटा रखना है न बहुत ही महीन रखना है, दरदरा इस ढंग से होना चाहिए। चलिए अब आगे को प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब इसी पैन में जिसमें हमने अपने तिल और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था इसी में हम डालेंगे, इसमें ऑलरेडी थोड़े से घी है, इसी में हम अपने गुड़ को डाल देंगे। ये हमने 150 ग्राम गुड़ लिए हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत अधिक नहीं, 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आप ये तिल की मिठाई अपने घर में बना सकते हैं, और टेस्टी के साथ हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि तिल विंटर में तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर खाने से आपके शरीर में हमेशा गर्माहट बनी रहती है, तो इसका जरूर हमें यूज करना चाहिए। देखिए अब हमारी गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। देखिए किस तरह से हमारे गुड़ में ये झाग बन गई है। अब इसे टेस्टिंग के लिए देखिए हमने एक बोल में पानी लिया है, इसमें हम पहले थोड़ी सी अपनी इस लिक्विड को डालेंगे, इसमें देखेंगे कि ये बाइंड हो रही है कि नहीं। देखिए अभी ये फैल रही है, इसका मतलब कि अभी हमारा ये पाक तैयार नहीं हुआ है। इसे अभी हम लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। अब इसमें हमने 2-3 हरी इलायची ली है, उसका पाउडर इसे भी हम डाल देंगे, ताकि इससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। इसमें सबसे मेन है गुड़ का पाक बनाना, क्योंकि आपकी पाक अगर अच्छी नहीं बनेगी तो आपकी मिठाई भी अच्छी नहीं बनेगी। अगर पाक को आप बहुत अधिक पका देंगे तो आपकी ये मिठाई हार्ड हो जाएगी। तो अब देखिए हमारी पाक इस तरह से पैन को छोड़ रही है। अब आइए फिर से हम चेक करते हैं, फ्लेम को एकदम लो कर देते हैं। अब आप पानी में अपनी थोड़ी सी इस पाक को हम डालेंगे। अब इसे आपको देखना है कि ये एक इस तरह से हमारे हाथों में, देखिए अब देखिए ये इस तरह से एक गोली बन जा रही है, इसका मतलब कि अब हमारा पाक बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फ्लेम को हम बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद ही हम अपनी इस तिल को डालेंगे, क्योंकि अगर आप लगातार फ्लेम ऑन रखेंगे
तो फिर ये बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। और अब हम अपने इस ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देते हैं। और इन सारी चीजों को डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज में आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी घी और भी डाल लीजिए। और चलिए अब इसे हम मिला लेते हैं। अब इस वक्त आपको अपने हाथों को जल्दी जल्दी चलाना है, क्योंकि गुड़ का पाक बहुत ही जल्दी कड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। सारी चीजों को आप जल्दी जल्दी मिक्स कीजिए। अब जब ये हल्की गर्म हो तभी हम अपने हाथों में इस तरह से घी लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा इस तरह से लेंगे और इसकी एक लड्डू बना लेंगे। तो हल्की गर्म हो तभी आप लड्डुओं को बना लीजिए, नहीं तो ये थोड़ी ही देर के बाद हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए कितनी मजेदार हमारी ये तिल और ड्राई फ्रूट्स की लड्डू बनकर रेडी है। आप लड्डू छोटी या बड़ी जैसे भी बनाएं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी लड्डू इसकी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि तिल थोड़ी गर्म होती है, इसलिए इसे लिमिट मात्रा में ही खानी चाहिए। देखिए कितनी मजेदार हमारी लड्डू बनकर रेडी हुई है। इसी तरह से हम सारी लड्डुओं को बना लेंगे। आप चाहें तो इसे इस शेप में भी बना सकते हैं। गोल बनाने के बाद आप इसे चाहें इस तरह से कट कर लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छी लगती है डिजाइन। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारी ये तिल और ड्राई फ्रूट्स की लड्डू बनकर रेडी है। खाने में बहुत ही टेस्टी और मजेदार है, और ये ठंडी होने के बाद भी हार्ड नहीं होगी, क्योंकि इसके पाक को हमने जिस ढंग से बनाया है अगर आप भी वैसे बनाएंगे तो ये हार्ड नहीं बनेगी। आइए मैं एक आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में इस तरह से लड्डू बनाइए, एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके नोटिफिकेशन पे सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। ओके, टेक केयर, बाय।